हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है देखते रहिए सीखते रहिए यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम पिन कैसे बना सकते हैं एसएमएस के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इससे अगले वीडियो में हम आपको बताए थे कि आप एटीएम मशीन के थ्रू आप अपना एटीएम पिन कैसे बना सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊँगा आप एसएमएस के थ्रू आप अपना एटीएम पिन कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपना एसएमएस एप्लीकेशन ओपन करना होगा। एसएमएस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप न्यू एसएमएस में क्लिक कीजिए। न्यू एसएमएस में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक नंबर टाइप करना होगा, वो नंबर है 567676। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 567676 हम नंबर टाइप कर दिए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज में टाइप करना होगा, आपको यहाँ पर टाइप करना है पिन कैपिटल में PIN पिन स्पेस कार्ड का लास्ट चार अंक, यानी आप अपने कार्ड को देखिए वहाँ पर 16 अंक का कार्ड नंबर होगा, तो उसमें से आप लास्ट के चार अंक यहाँ पर टाइप कर दीजिए। उसके बाद स्पेस, उसके बाद आप अपना पासबुक ओपन कीजिए। आपके पासबुक में आपका अकाउंट नंबर होगा, आप अकाउंट नंबर के लास्ट चार अंक आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। ये सब टाइप करने के बाद आपको एसएमएस सेंड करना होगा, जो नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है आप उस नंबर से मैसेज सेंड कीजिए। अगर आपको यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आए हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पर हम आपको अच्छी तरह से सिर्फ एसएमएस के बारे में बताए हैं। तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ पर आप अच्छे से आर्टिकल पढ़ सकते हैं। जब आप ये सब कुछ टाइप कर देते हैं तो आपको एसएमएस सेंड करना होगा उस नंबर से जो नंबर आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक है। तो यहाँ पर मेरा नंबर लिंक है एयरटेल का, तो हम यहाँ पर एयरटेल का सिम लगा है सिम वन में, तो हम यहाँ पर सिम वन से एसएमएस सेंड कर देते हैं। और जैसे कि आप यहाँ पर देखे होंगे, यहाँ पर हम एसएमएस में टाइप किए हैं पिन 1234 4321, तो और यहाँ पर मेरा 3 रुपया कट चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर सिर्फ 3 रुपया कटा दिए हैं। तो आप इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जब आप एसएमएस सेंड कर देंगे तो आपके मोबाइल से 3 रुपया कट जाएगा। 3 रुपया कटने के बाद आपको एक इस प्रकार से मैसेज आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ओटीपी नंबर आपको एक आया है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं Within 72 hours, तो आप लास्ट के 72 घंटा के अंदर में आप अपना एटीएम पिन जनरेट कर सकते हैं एटीएम मशीन पे जाके। जब तक आप एटीएम मशीन पर विजिट नहीं कीजिएगा तब तक आपका एटीएम पिन नहीं बनेगा। जब आपको ये मैसेज आ जाते हैं तो आपको 24 आवर के अंदर अंदर में आपको किसी भी SBI के एटीएम मशीन पर जाना है और आपको अपना एटीएम कार्ड एटीएम मशीन में स्वाइप करना है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं आप कार्ड के आप पिन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो एटीएम मशीन पर जाइए और कार्ड स्वाइप कीजिए, उसके बाद आप बैंकिंग में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर हम बैंकिंग में क्लिक कर देते हैं। बैंकिंग में क्लिक करने के बाद आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, हिंदी इंग्लिश, तो आप यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 डिजिट का कोई भी नंबर टाइप करना होगा, तो आप यहाँ पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 टाइप कर सकते हैं या 3 2 टाइप कर सकते, कुछ भी टाइप करके कर दीजिए। उसके बाद आपसे यहाँ पर आपका पिन पूछेगा, तो आपको जो अभी OTP नंबर मैसेज आए हैं आप उस OTP नंबर को यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो कितने बैंक में आपको 6 डिजिट का OTP आएगा, कितने बैंक में आपको 4 डिजिट का OTP आएगा, तो आपको जो भी OTP आते हैं OTP नंबर टाइप करके यस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको पिन चेंज का ऑप्शन में क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम पिन चेंज का ऑप्शन में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ इंटर योर न्यू पिन, तो आप अपने मन से यहाँ पर 4 डिजिट का पिन टाइप कर दीजिए, यही आपका एटीएम पिन बन जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम 4 डिजिट का पिन टाइप कर दिए हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कीजिए, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ री एंटर योर न्यू पिन, तो जो पिन आप अभी जस्ट टाइप किए थे वही पिन आप री एंटर यहाँ पर फिर से टाइप कर दीजिए। उसके बाद आप कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए। जब आप कंटिन्यू में क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से एक मैसेज आ जाएगा, योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस प्लीज़ वेट। उसके बाद आपके सामने एक इस प्रकार से मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं पिन जनरेशन सक्सेसफुल। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं अब आपका पिन बन चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि आप तो बोले थे SMS के थ्रू और आप यहाँ पर ATM मशीन के बारे में भी बता दिए हैं, तो आप ATM पिन जनरेट कर सकते हैं, यानी आप OTP मंगवा सकते हैं SMS के थ्रू, लेकिन आपको पिन चेंज करने के लिए आपको ATM मशीन पर ही जाना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप और ऐसे ही से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखता होगा, आप उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बगल में घंटी का आइकन मिलता होगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाइएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।